GSR Film presents. मुझे पैसे चाहिए, पैसे पैसे है कहाँ? कहाँ है पैसे? उन पैसों से तो मैं घर का सामान ले आई। क्यों किया तूने ऐसा? अगर जब पैसे नहीं मिले तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। कौन मार देगा तुम्हें? अनु कहाँ है मेरे पैसे? मुझे मेरे पैसे चाहिए। जो कल तो चूहे में हारा था, तूने तो बोला था आज शाम तक पैसे दे दूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाई साहब, मुझे आज आज की मोहलत दे दो, मैं आपके पैसों का इंतजाम बहुत ही जल्दी कर दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपना घर भी। बेटा, मैंने तुझे बहुत टाइम, अब मुझे तेरा एक मिनट का विश्वास। ठीक है, जब तू कह रहा है तो मैं तुझे एक मौका और दे देता। तू मुझे कोई एक ऐसी चीज दे जिससे मेरे पैसे की भरपाई हो। ऐसी मेरे पे कौन सी चीज है जिससे मैं तुम्हारे पैसों की भरपाई कर सकता हूँ? बकवास मत कर। तेरी एक खूबसूरत सी बीवी कब काम आएगी? ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से आज मुझे ऐसे इंसान की बात सुननी पड़ रही है। अगर तुमने ये दारू और जुए की लत नहीं लगाई होती तो आज हमारे घर पे आकर के कोई ऐसे नहीं बोलता मेरे लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहुत होगी तेरी बकवास। ठीक है, मेरे पैसे दे देना और अपनी बीवी को ले जाना। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जा रही हूँ मैं इसके साथ, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे घर की इज्जत किसी दूसरे के साथ जा रही है। कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे उसे छुड़ाने के लिए? ले गया तो ले जा। देखो, तुम मुझे जाने दो, वो तुम्हारे पैसे लेकर के आ जाएंगे, तुम्हें पैसे जल्दी दे देंगे वो। बट प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो चूतिया यहाँ पैसे लेके आएगा? अरे अगर उसे तुम्हारी इतनी फिक्र होती ना तो वो मुझसे कर्जा लेकर जुआनी खेलता। और तुम कह रही हो कि वो तुम्हें छुड़ाने के लिए आएगा यहाँ पे? देखो, अगर वो पैसे ला के नहीं देगा तो मैं ला के दूंगी तुम्हें पैसे, बट मुझे तुम जाने दो यहाँ से। तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे पागल समझ रखा है क्या? बैठ नीचे, चल कपड़े उतार, कपड़े उतार। ये कैसी बात कह रहे हो तुम? क्यों उतारूं मैं अपने कपड़े? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कपड़े उतार। सुना नहीं क्या? चल कपड़े उतार। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे दीपक, नमस्कार। नमस्कार, किस लिए फोन किया? डॉक्टर साहब, जरा इनके हाथों को देखना। हाथों पर करो, काफी जख्म है, किसी जालिम ने बहुत बुरी तरह पीटा है। सही कहा डॉक्टर साहब, इसके शराबी पति ने इसको मारा। इनके पति शराब पीते हैं? बहुत ज्यादा। और उसने जुए में मुझसे 10 लाख रुपए लेके जुआ खेला। 10 लाख रुपए का जुआ? जी। कमाल है भाई। और तुम्हें पिटाई क्यों की? जी, वो घर की वजह से पिटाई करते थे, पैसे नहीं देते थे मुझे। अच्छा, और इसी वजह से डॉक्टर साहब मैं इन्हें अपने साथ लेके आया। चलो, तुमने बहुत अच्छा किया। अब जो भी इनका ट्रीटमेंट कराइए, और जब तक स्वस्थ ना हो जाए तब तक इनकी देखभाल करिए, और मैं कुछ मेडिसिन लिख दूंगा
वो मेडिकल स्टोर से मंगवा लेना जी और इनको देते रहना। ठीक है सर। पर इनके शराबी पति को इतना जरूर समझाना कि घर की औरत होती है वो एक लक्ष्मी होती है, और घर की औरत के साथ जो इस तरह का व्यवहार करता है वो भविष्य में कभी सुखी नहीं रह पाता। ये मेरी तरफ से उसे मैसेज दे देना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये बात जरूर उसे बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब मैं चलता हूँ, मैं फोन पे आपको। ठीक है, ओके। अब तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? कुछ नहीं, अंदर अलमारी में कपड़े रखे हैं, आप उन्हें जाकर पहन लो, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ, साथ में बैठ के खाना। जिसे मैंने अपना भगवान माना, अपना सब कुछ माना, उसने मेरी रक्षा नहीं की, उसने मेरे लिए किया ही किया सिवाय एक मारने के, एक धिक्कार के, उससे मुझे कुछ भी नहीं मिला। और जिसे मैंने इतना बड़ा गंदा इंसान समझा, इतना बड़ा जल्लाद समझा, वो इंसान मेरे लिए कितनी फिक्र कर रहा है, मेरे लिए एक मसीहा बन के आया कि मैं बता नहीं सकती उस इंसान को कि हाँ वो कितना अच्छा इंसान है। नहीं, वैसे तो तुम्हें कोई गिफ्ट पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया।
तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। बता के तो जाओ, क्या बात हो गई? कितना सुंदर इंसान है, मेरा कितना ख्याल रखता है, मैं कितनी खुश हूँ इसके साथ। और एक वो है जिसने कभी मुझे चाहा ही नहीं सिवाय अपने दारू के अलावा। क्या कर रही है यहाँ? चल, क्या कर रही है यहाँ पे? नहीं, तुम कैसे आई यहाँ? चल, छोड़ो मुझे। देर से पीछे रह के बड़ी खुश नजर आ रही है, अपने यार के साथ बड़े गुलछर्रे उड़ा रही थी, इसका मतलब है? और ये क्या? इतनी अच्छी माला, ये कहाँ से आई तेरे गले में? ये मुझे उसी ने दी। उसने दी, लेकिन ये तेरे गले में शोभा नहीं देती। लाइस है, क्यों नहीं देगी? नहीं, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इसे मत लो। जितने भी मेरे पास जेवर थे तुमने सब बेच दिए। दो चार दिन क्या मैं तेरे से अलग रहा? तू मुझे ही भूल गई है? और अपना यार तुझे इतना अच्छा लगने लगा जिसके साथ तूने सात फेरे लिए, मेरे पास क्या थोड़ा कर्जा क्या हो गया? तूने तो अपने रंग ढंग ही बदल दिए हैं। आखिर मैं लगता ही कौन हूँ तेरा? वो यार सब कुछ तेरा है, और तेरे गले में बेशकीमती माला जो कि तेरे लिए बिल्कुल शोभा नहीं करती। निकाल इसको अभी। अब इस माला को बेच के मैं कुछ दिन ऐसो आराम की जिंदगी जीऊंगा। बेटा, तेरे ऐसो आराम के दिन तो कहीं, और अब एक काम करना, जो तेरी नरक भरी जिंदगी थी ना, उसी में ही जाकर गुजर बसर करना। और एक बात मेरी ध्यान रखना बेटा, कभी भविष्य में तूने अन्नू की तरफ को आग उठाकर भी देखा ना, तो इस पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा तेरा दुश्मन कोई नहीं होगा। याद रखना मेरी बात। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। काश ना मैं शराब पीता, ना मैं जुआ खेलता, और ना मेरे साथ ऐसा होता भगवान, और मेरी देवी जैसी पत्नी ना मुझे छोड़ के जाती। हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या करा दारू के नशे में? अगर जो आज मैं शराब ना पीता तो मेरी देवी जैसी वाइफ मुझे छोड़ के ना जाती। ये मैंने क्या किया भगवान? और उसने मुझे हर बार मना करा, लाख बार मना करने के बाद भी मैंने उसकी एक ना मानी। कहती थी कि जुआ मत खेलो, दारू मत पियो, और मैंने उसकी एक ना मानी भगवान। और अब सिवा मौत के मेरा और कुछ नहीं है, बस मैं जीना नहीं चाहता भगवान, इससे अच्छा तो मुझे उठा ले। उठा ले भगवान, अब सिवा मौत के और कुछ रास्ता नहीं है मेरे पास।